हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी आईक्यू। दिस इज विपुल मलिक और मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी के ट्रिक्स इस प्लेलिस्ट में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि हिंदी में जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं उससे जो एंजाइम निकलते हैं उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक आज हम देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज़ इसे आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट जरूर करना है, कमेंट करके मुझे बताना है आपको वीडियो कैसे लगी। और नीचे रेड बटन दिया हुआ चैनल सब्सक्राइब करने का, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बाद में एक बेल आइकन आती है साइड में ये ऐसी, तो इस बेल आइकन को जो है ऑन कर लेना है ताकि लास्ट में ऐसा हो जाए। ये बेल आइकन ऑन करने के बाद ऐसी हो जाती है। बेल आइकन को ऑन करना जरूरी इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाता है। अगर फ्यूचर में भी आप ऐसी ट्रिक्स देखना चाहते हैं, ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, इसलिए बेल आइकन को जरूर ऑन रखना है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है पहले भी वो भी बेल आइकन को ऑन कर लें। अब बात करते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक की सीधे। तो हम देखने वाले हैं छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं और एक वर्ड से उसको याद करेंगे। तो आपने देखो ये SMLLE मैंने लिखा हुआ है, तो इसको आप स्माइल से याद रख सकते हो। स्माइल की जगह बस यहाँ आई की जगह क्या है, डबल एल है, ठीक है। वैसे भी ये आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा क्योंकि हम जब एल को स्मॉल ABCD में कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं ऐसे। तो एक इसको आप स्माइल से याद रखते हो, स्माइल को आप याद रखोगे तो स्माइल लिखोगे आपको याद आएगा भी हाँ ये सर ने कुछ ऐसा कुछ बताया था कि यहाँ डबल एल होता है, ठीक है। तो स्माइल से तुरंत आपको वर्ड याद आ जाएगा। अब देखिए कौन कौन से कैसे कैसे इस जो पंच वर्ड से हम कैसे अपने जो एंजाइमन को निकालते हैं। एस से क्या बनता है आपका सुक्रेज, एम से क्या बनता है माल्टेज, एल से आपका लैक्टेज और फिर एल से लाइपेज, ई से इरेप्सिन, ठीक है। तुरंत याद हो जाएगा आपको, जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखे एक बार वर्ड से देखे, सिर्फ दो बार देखे फिर वर्ड को देखे अपने जो आपका एंजाइम है वो बताने। एस से क्या है सुक्रेज, एम से माल्टेज, एल से आपका लैक्टेज, एल से लाइपेज, ई से इरेप्सिन, ठीक है। और 2 सेकंड के अंदर आपको याद हो जाएंगे। मैंने भी इसको कभी याद नहीं किया है, मैं सिर्फ एक बार वर्ड को देखता हूँ मुझे तुरंत याद आ जाता है, ठीक है। एक दो बार आप भी पढ़ोगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। बहुत ईजी फनी शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दीजिए जीके में, वो इम्पोर्टेंट है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। ये मैंने आपको पहले बताया बेल आइकन को जरूर ऑन करना है। जिन लोगों को नहीं पता कि इस पे बेल आइकन कैसे ऑन करना है वो मैंने ऊपर अभी समझाया है, देखिए ये मैंने बेल आइकन यहाँ पे बताया। ये जब आप रेड बटन दबाओगे सब्सक्राइब कर लोगे तो बेल आइकन आएगा, फिर इस बेल आइकन को ऑन कर लेना। बेल आइकन ऑन करना जरूरी है, मैंने आपको बता दिया नोटिफिकेशन के लिए। और एक और चीज़ आपको कमेंट जरूर करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो आप करोगे ही, कमेंट जरूर करके बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आप जो है किस टॉपिक पे चाहते हो, कि आपका कोई टॉपिक है, कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है कि मेरे को जो GK का जो है ये टॉपिक, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का कोई ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे को जनरल अवेयरनेस का कोई भी टॉपिक है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे इस पर शॉर्ट ट्रिक चाहिए। तो आप में से बोले कि सर मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, मुझे इस पर शॉर्ट ट्रिक चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो आप बताओगे फिर मैं नई शॉर्ट ट्रिक आपके लिए ले आऊँगा।